हाँ जी नमस्कार। आप सभी का मैकेनिकल एट ईज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है। यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के नाते, ठीक है, तो उनके बारे में हम बातें करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांच के विद्यार्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी पूरे भारतवर्ष में ये आपको वैकेंसीज मिलेगी, चाहे वेस्ट बंगाल की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, या चाहे महाराष्ट्र की बात करें। वेस्ट बंगाल के बारे में हम बात कर ही ली ना, इस प्रकार से कुछ वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले हम ब्रांच वाइज देख लेंगे। और जैसे सबसे पहले ये देखिए, मेटलर्जी डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी यहाँ पर मेंशन की हुई है इन्होंने, वो आप आराम से इसे देख लीजिए वीडियो को स्टॉप करके, अन्यथा नोटिस को डाउनलोड कर लेना। नोटिस को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल ब्रांच के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिरामिक के विद्यार्थी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर और आईटी सेक्टर में जो जाना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर माइंस ओनली। ठीक है, ड्राफ्ट मैन में जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूपीडी कैंडिडेट्स, तो जो भी हमने ब्रांचेस के नाम देखे हैं तो उनका एक टेबल बनाया हुआ है पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। रिजर्वेशन क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया क्या है, वो सारी की सारी बातें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बता रखा है एक टेबल के रूप में। मेटलर्जी की बात करें तो जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है मेटलर्जी इंजीनियरिंग में वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जिन्होंने 3 साल का फुल टाइम का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी अच्छे संस्थान से, तो वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा कर रखे विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे यहाँ, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर्स विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे, केमिकल इंजीनियरिंग, सिरामिक की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें, इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो वो यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से आपको ये चीजें देखनी है। परसेंटेज क्या है ये भी उन्होंने मेंशन कर रखी है, और रिलैक्सेशन भी दिया गया है उसमें भी, तो वीडियो को स्टॉप करके आप देख लेना इसमें, अन्यथा आप ऐसा करेंगे इसको डाउनलोड कर लेना, ये बेहतरीन रहेगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े आने वाले समय में। कैंडिडेट हु हैव पोस्ट द प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायर्ड एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एटसेट्रा एज मेंशन अबव, तो यहाँ पर आपको लास्ट डेट का ध्यान रखना है, 18 मार्च 2024 तक आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद में आप अप्लाई नहीं। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बताया गया है मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, हाइट की बात करें, वेट की बात करें, चेस्ट मेजरमेंट की बात करें ना, सारी की सारी बताया हुआ है इन्होंने। विजुअल पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, ठीक है, डिस्टेंट के, नियर के, कलर विजन क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी यहाँ पे बातें इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी सेक्शन कैटेगरी से आते हैं, तो वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तब उनको फीस पे करने पड़ेगी 500। ठीक है, और बाकी जो बचे हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम की बात करें या फिर
डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 फीस रखी गई। ये फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, एटीएम कम डेबिट कार्ड के माध्यम से। कैसे अप्लाई करना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन वेबसाइट जो है इनकी, उस वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो कैरियर लिखा होगा, कैरियर पेज आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहां पर पता चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको आने वाली वहां पर। अगर आप नए हैं तो आपको ओटीआर करना पड़ेगा सबसे पहले, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड आईडी मिल जाएगी। उस आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप अपनी आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चिंता करने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। बड़ा अच्छा इन्होंने मेंशन कर रखा है एक एक चीज के बारे में। तो 18 मार्च 2024 जो है वो आपकी यहाँ पर लास्ट डेट है। आराम से इसे आप देख लीजिए जी। ये देखिए, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन 18 मार्च 2024। शायद नीचे उन्होंने गलती से लिख दिया हो, ऐसा हो सकता है। तो आप सभी का धन्यवाद। हम मिलेंगे फिर कभी। जय हिंद, जय भारत, जय मातृ।